रिश्ते को देखने के लिए लड़के वाले आए थे ना? हाँ। तो क्या हुआ? एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज बताओ। लड़के को मैं पसंद आई। वो और बैड न्यूज? वो लड़का तेरा बॉयफ्रेंड निकला। शायद और है? केवा? देखो ये फोन ने मेरे शारम वो काम इच नहीं कर रहा है। वो फोन बा मरद नहीं। सासु माँ अस्सलाम वालेकुम। जी तुमने कितने बार बोलना तो हमारी बेटी वापस आती नहीं कर को। ऐसा बोल दिया खुशी हो जाए सुन सुन का। अबूजी सुनो अबूजी। क्या बोल बा? अबूजी तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या करी है अबूजी तुम्हें? मई क्या मंजे ऐसा बोल रही है? छोड़ो अबू समझ गया मई। नहीं गिराते हैं नशे मन पे बिजली। अस्मा आ तमिल तेरी माँ? किसे तेरी माँ करीस तुम्हें? कन्नड़ा तुम्हारा बाबा, हिंदी तुम्हारी बहन, इंग्लिश तुम्हारा पूरा खानदान, मंजे तुम्हें तेरी माँ। आवाज बहुत ही निकल रही है तुम्हारे भैया को फोन क्या अगर नहीं बुलाई ना तो देखो तुम ये भाइयों का ढाक नक्को डालो। तुम सुने क्या बोले? ये भाइयों का ढाक नक्को डालो बोल रहा हूँ। अब बुला रही हूँ भैया को फोन करके, अब बुला के तुम। अच्छा सुनो, मम्मी बोल रहे थे कि उनको उनके गोद में खेलने एक नन्ना मुन्ना होना कहते। आई तुम्हारी मम्मी को ना तो तुम्हारे बाबा को बोलो बोलो मैं कोई को बोल रहा हूँ। सुनो जी। हाँ बोलो। तुम्हें आने आने बहुत खूबसूरत हो जा रही ना? हाँ सच में। ओ तुम ना देखो रोटियां भी जल जा रही लोगो। क्या अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा, एक आसान सा तरीका बताता हूँ। गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट करो, फिर ऐसे करो, फिर तेज तेज करो। ये उस टाइम करना है जब आपको कोई खाने के लिए पूछे। बस रजा में पूरा ये सानिया खाली टीवी घूर ले बैठना ने फोन में रहना। एक काड़ी का काम करी सुबह से तू। हाउ करी कौन सा काम है वो? अबू रिमोट पूछे तो ठाको दी नहीं। वो भी एक काम ने। तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? जो बोलना है सीधा मुझसे बोला करो। अरे क्यों बोला करो? जब टीवी में कोई खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है, गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम ससुर जी। वालेकुम अस्सलाम। बोलो बेटा। नहीं हो रहा ससुर जी तुम्हारी बेटी को संभालने मंजे। नहीं बेटा नाक में दम कर को रख डालियो ने। क्या बेटा दो साल में तुम्हें बिजार आ गई, उसकी अम्मा को मैं 25-30 साल से संभाल रहा हूँ। क्या कर रही की मेरी जान? चिप्स खा रहा था। अबा अकेले मे को नहीं खिलाते? फोन में कैसा ठोस हूँ तुम्हारे को, भुक्कड़ कहेंगे। हेलो अम्मी आज मेरी इनसे लड़ाई हो गई, मैं तो भगोना फेंक के मार दी। देखो उनको क्या करना क्या नहीं अब तुम्हारे मालूम, मैं तो मार दी भगोना फेंक के। हेलो सासू माँ। हाँ दामाद जी। आपकी बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है। दामाद जी आपने तो उनका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात नहीं करी थी। तो दिमाग का फ्रिज में रखा हुआ है। आज फिर पी के आए जी तुम? आज भी पिया, कल भी पीता हूँ, परसों भी पीता हूँ। ये बोतल पकड़ और गोस्टल बाजू वाले से ठंडा पानी मंगे ले गया मरा जब तक मुंह धो के आ रहा। शावेज मैं मर गई तो क्या करती, दूसरी शादी कर लेती। बेकार के बातां करो नको बा, चुपके झूठी आस दिलाओ नक मंजे शर्म आती है।
बेगम ये देख मेरी चाय में मक्खी डूब के मर गई। मैं यहाँ घर के काम करूँ या मक्खियों का तैरना सिखाऊँ? रुखसाना तुम्हें कहीं को इतने मोटे होगी सो? एक्चुअली हमारा फ्रिज खराब होगा साहिल। फ्रिज खराब हो गए? तुम ना भी फ्रिज को क्या कनेक्शन है? फ्रिज खराब हो गए जब से घर का पूरा खाना मिर्च खाना पड़ रहा है। हेलो। हाँ बहू नींद खुल गई तेरी? अम्मा आप भी कैसी बात करते हो, लॉकडाउन है तो क्या काम नहीं होगा घर का? घर के काम में लगी हूँ। हाँ इसीलिए फोन किया, मेरे बेटा से काम मत करवाने लगना, 21 दिन उसको आराम करने देना, दिन भर मरता है दुकान में। ये बर्तन कौन खड़का रहा है? मैं ही तो मांज रही हूँ अम्मा। अच्छा अच्छा ले बेटी फोन रखती हूँ। हाँ चल। बेबी मैं मोटी हो गई हूँ क्या? ना ना बिल्कुल नहीं। तो मुझे बाहों में उठाकर फ्रिज तक लेकर चलो, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। रुक जा मैं फ्रिज ले आता हूँ। शाहिद लियो फोन आ रहा है। ए लड़ स्पीकर डालो। हेलो हेलो काई इंजन क्यों फोन नहीं उठा रही सो? कौन के तू बांध रही? तू कौन के चुड़ैल? मेरा बॉयफ्रेंड उन्हें, मेरा मर्द उन्हें, कौन जी शाहिद उन्हें? सोतन क्या क्या? खाना निकालो बेगम। अल्लाह मैं सीरियलों की चक्कर में खाना बनाना भूल गई, क्या करूं? आय हाय अब क्या बोलते कि उनो, आय हाय अब क्या करते कि क्या नहीं कि क्या बोलते कि उनो, अब मैं कैसा करूं? वो मैं खाना बनाना भूल गई जी, आज एक दिन बाहर से ला लो ना। हाँ वो शैतान है ना घर में, कब तक देखते सीरियल? वो कुमकुम भाग गया, वो कुल्ली भाग गया, वो इन्हें भाग गया, उन्हें भाग गया, ये हमारे घर को कहीं को भाई? वो शैतान को निकाल के फेंको, रात में जल्दी सो गए थे सुबह में जल्दी उठते, क्या मुसीबत है भाई औरतों से। अभी रुबाब से बोल रहे होटल का ला लो बोल के। तुम इतनी स्लो आवाज में किससे बात कर रही? बहन से बात कर रहा हूँ। बहन? बहन से इतनी स्लो आवाज में बात करने की क्या जरूरत है? मेरी बहन नहीं होती, तुम्हारी बहन है। भैया उठो रोटियां पका रही हूँ। भैया आई सुन भैया उठ भैया रोटियां पका रही हूँ। मैं अयो मैं क्या तवे पर बैठ गई हूँ, रोटियां पका रही हूँ, रोटियां पका रही हूँ। क्या जी? तुम तो मेरे को शादी के पहले कहते थे ना। हाँ? मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता। अरे तो मेरे को क्या मालूम था कि शादी भी तेरे से ही हो जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं तुम्हारी जान है। कौन है? किस करो? अफशा? नहीं। शाजिया? नहीं। नेहा? नहीं। फिर? आज घर को कितने जाना ही छपना झाड़ू से निकाल। शाहिद मेडिकल को जाकर कहीं को ये साड़ी कलर का कोरोना वायरस मास्क ले लेको। आयो रे मां। सुनो बोला शाहिद एक सवाल पूछ तो जवाब दे दे। ओ पूछे मेरे से होशियार कौन भी नहीं। ओके तीन फ्लोर की बिल्डिंग आग लग गया, तीन फ्लोर में भी एम्बुलेंस आपको कौन से फ्लोर को बुझाती है? फर्स्ट फ्लोर को। फर्स्ट फ्लोर को क्या हवा उछारे तुम्हें? एम्बुलेंस में तुम्हारा बाबा ले लगा दे पानी। आयो रे मां। हेलो कौन? तुम्हारा जवाई। क्या आंटी मैं तुम्हारी वेडिंग पसंद कर रहा हूँ आंटी, शादी कर को दी आंटी? नहीं बा हमारे बच्चे अभी स्कूल पढ़ ले को है। संडे के दिन कर ले तो आंटी। ए रख रहे दीवाने। क्या जी वो अब वो पूछो क्या वो ये क्या सुबह सुबह को तेरी बुमड़ी निकलो है से कहाँ को? मेरा घर ये निकलो। अयो घमंड करो ना को ऐसे दस घर बनतो वैसा क्या कर डाल रही तुम्हें? सामान जा रहा हूँ मिस्त्री काम को, दस बिल्डिंग बन। कौन? हाँ केबल वाले। हाँ क्या है? 500 रूपए। हजार बार बोलियो जुमेरात को पैसे नहीं देते बोल के याद नहीं रहता? टीवी के सामने बैठ के चैनल बदल बदल के पूरा देखती सब भूल गए। स्टार सी कलर्स बेचा भी निकला निकला पीस निकला ये डराने धमकाने का नहीं निकला चला निकला जाओ तुम्हारा मैं कह जाओ जे मैं कब के चले जाती बच्चे के सूरत देख ले को हंस खाली।
किसके बच्चे? तुम ना तो नहीं? बाजू वाले के बच्चे उन रोज आते हैं। आए ऊपर वाले, मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों करता है मेरे मालिक? बचपना दिया छीन लिया, जवानी दिया छीन लिया, दौलत दिया छीन लिया, इज्जत दिया छीन लिया, ये बीवी देखे कहीं को भूल गया मेरे आका? अच्छा, शादी में दुल्हन को इतना सजाया क्यों जाता है? क्योंकि गिफ्ट कैसा भी हो पैकिंग जबरदस्त होनी चाहिए। भगवान करे इस बेवड़े जैसा तुझे पति मिले। भगवान करे तेरे को ऐसा पति मिले बेवड़ा। नो 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 नो, एक्सक्यूज मी, मैं रुकू या जाऊ? ये तुम एक घंटे से क्या देख रहे हो? शादी का सर्टिफिकेट, एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, सालों ने कहीं लिखी ही नहीं। जानू, कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? जो तुम बोलो। एक रिंग। बस इतनी सी बात? ठीक है दे दूंगा, लेकिन उठाना मत, बैलेंस कम है। क्या शहीद वहां देख रही? बाजू नहीं आई ना, उन्हों कांग्रेस वाला नहीं बा, आम आदमी वाला उन्हों। तुम ना कैसा मालूम? मैं हाथ दिखाया, उन्हों झाड़ू दिखाया। आयो रे मां। जी शाहिद। क्या? एक बात बोलो, वाइफ पत्नी बीवी जोरू इसमें कॉमन क्या जी? सभी मुसीबत। हाँ क्या मुसीबत से लड़ने वाली? सुनो जी, मैं आपसे एक चीज मांगू। हाँ हाँ मांग मेरी जान, क्या चाहिए तेरे को? मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। दिल में तो रह ले, लेकिन वहाँ पर दूसरी औरतों के साथ लड़ाई मत करना बस। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई? माँ शादी कराने वाला, कैसा माँ होना तेरा? छुकरा गोरा होना काला होना? मालूम नहीं भाई, अम्मी को पूछो। हाँ, तुझे काम करने वाला होना बिजनेस वाला होना? मालूम नहीं भाई, अम्मी को पूछो। मोटा होना कि बारीक होना? मालूम नहीं भाई, अम्मी को पूछो। छुकरा तुझे की अम्मी को? मालूम नहीं भाई, अम्मी को पूछो। नहीं नहीं नहीं, बंजज भैया। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार हो जाए और उसको हमारे प्यार की कदर ना हो तो क्या करना चाहिए? तब उसे उसकी हाल पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। किसी के पास गब्बर का नंबर हो तो बताओ यार, हाथ कटवाने हैं, धोते धोते थक गया हूँ। शाहिद, मैं एक महीने के वास्ते अम्मी के जा रही हूँ। खुशी की वो रात आ गई। रुको, कौन क्या को ही? शायद अम्मी हैं जागे। यार ये बताओ, तुम लड़कियाँ विदाई के समय इतना रोती क्यों? पागल, अगर तुझे पता चले कि कोई तुझे अपने घर से दूर ले जाके बर्तन मजवाने वाला है तो तू क्या नाचेगा? एक्सक्यूज मी, ट्रेंड बोलो, ट्रेंड। ट्रेंड? आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड। सुन सुन सुन, मेकअप बोल, मेकअप मेकअप। अब हो गया हमारा ब्रेकअप। तारा क्या जी, बाजार से खड़ी है? तुम्हें क्या भी बाहर फिर ले को जाओ, नहीं फुल लाठी चार्ज। यो कौन जाता जाओगी खाली घर में? वो सुरता, वो उज्जार सुरता निकला, वो गली सुरता निकला। हाँ भी ब्यूटी पार्लर अलग बंदे सो गली अभी। मेरी जोर को मुछा आ गई। भैया कौन भैया? नो तीन रोज से हमारे घर में सो फैमिली फोटो में भी आई ना बहनो। रे दीवाने, हमारा अब्बा ना रहे नो जनता कर्फ्यू के वास्ते घर में रगी नहीं गिराते हैं नशे मन पे। तीन दिन तक ब्यूटी पार्लर बंद होने की वजह से बिना मेकअप लड़कियों को देखकर कोरोना वायरस ने की आत्महत्या। साला सपने में भी सोचा था ऐसी दवाई निकले।
अच्छा बेबी, मेरे पे कौन सा गाना सूट करता है? ए कुत्ते, कभी देखा है तूने शीशे में खुद को? अकस्मिक खच्चर शक्ल से बंदर, बोलो ना। मैं 10 मिनट के लिए ना मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं, मिली इतना ही बहुत है। ओके। बेबी ये देखो मेरे बिना मेकअप की फोटो। यार आज तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तेरी लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तेरे कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तूने मेकअप भी बहुत अच्छा करा है आज। थैंक यू भैया। भैया फिर भी तू चुड़ैली लग रही है। जब छोटी हाइट वाली लड़कियां कमर पर हाथ रख के खड़ी होती है तो कसम से स्टील वाले जग की याद आ जाती है। भाई अगर तेरी बीवी और तेरी साली शेर के पिंजरे में बंद हो जाए तो तू किसको बचाएगा? शेर को बचाऊंगा। मुझसे शादी करोगी क्या? कितनी अच्छी मूवी है ना, कुत्ते के पिल्ले। क्या कितने छोटे छोटे होते हैं ना। भाई मम्मी बुला रही है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। जाने का नहीं। अबे कुत्ते रोटी खाने के लिए बुला रही है, हर जगह टिकटॉक टिकटॉक। मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? पहले अपनी आंखें तो बंद करो। वो कर ली। क्या दिख रहा है तुमको? अंधेरा। ऐसी मेरी जिंदगी में अंधेरा है तुम्हारे बिना। चल बे हट, मुझे लगा किस करेगा साले। सोचता शायद ऐसी कौन सी चीज है दूसरों की अच्छी दिखती है। शादी। आयो रे माँ। मामू मामू कह के लिपट गया वो बच्चा आके मुझसे, जिसकी अम्मी कभी मुझे जानू जानू कह के लिपट। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम शादी तो लड़के से ही होती है ना। नहीं मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। ये क्या मुसीबत है भाई औरत से। बेगम तुम्हारे से शादी करके मेरे को एक फायदा हुआ। अल्लाह क्या फायदा हुआ जल्दी बोलो ना। मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में मिल गई। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो सवाल है, क्या आपके घर वालों को पता है कि आप पागल हो? हाँ या ना, हाँ या ना।